ऑनलाइन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं, आज मैं कौटिल्य के राजा पर जो विचार कर व्यक्त किया था उसी का दूसरा भाग आपके सामने रख रहा हूँ। कल मैंने जो भाग रखा वो राजा के सतर्कता तक बात रखी थी। अगर दोनों भाग आपको अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और यह नोट को अपने छात्रों तक, अन्य साथियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कौटिल्य ने राजा की सतर्कता के संबंध में जो बात बताई थी बताई है वह कल मैंने रखा। आज सतर्कता के संबंध में कुछ अन्य बात रख रहा हूँ। कौटिल्य ने कहा कि राजा को अपने विश्वसनीय नौकर पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पर भी सतर्क नज़र राजा को रखना चाहिए। और जब राजा किसी सिद्ध पुरुष से मिले, साधु संत से भी मिले राजा, तो एकांत में ना मिले, वहाँ कोई विश्वसनीय अंगरक्षक उनके साथ रहना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी घटना घटते घट जाता है कि साधु के देश में असामाजिक तत्व भी राजा के साथ अनहोनी कर सकता है। इसलिए साधु संतों से मिलते समय भी राजा को सतर्कता रखनी चाहिए और अपने विश्वसनीय अंगरक्षक को रखना चाहिए। राजा को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, उसे राजा को बचना चाहिए, कोई घटना घट सकती है। तो ये राजा के सतर्कता के संदर्भ में जो उसका सुझाव है वह व्यवहारिक दृष्टि से, यथार्थ की दृष्टि से बहुत ही उचित लगता है। और कौटिल्य की राजा का क्या कार्य है, शक्तियाँ क्या है, तो यद्यपि कौटिल्य हमारे राजतंत्र के समर्थक हैं लेकिन राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता का कभी भी समर्थन नहीं किया और राजा का जो कार्य बताया है आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री का कार्य है उससे भी व्यापक है। आज का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का कार्य उसके कार्य के सामने थोड़ा हल्का पड़ता है। तो कौटिल्य ने यद्यपि राजतंत्र का समर्थन किया फिर भी उसके राजा का जो कार्य है उसमें प्रजातंत्र की बू आती है। जैसे पहला कार्य प्रजा का कल्याण, सबसे पहला कार्य बताया कि राजा का प्रथम कार्य है प्रजा का कल्याण। प्रजा के कल्याण के लिए राजा है, राज है, राजा और राज की असार्थकता प्रजा के कल्याण में है। उसने कहा कि प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में राजा का हित है, प्रजा के हित में जो राजा काम करता है वही लोकप्रिय राजा होता है। इसलिए कहा कि प्रजा के हित के अनुसार राजा को निर्णय लेना चाहिए, प्रजा के अहित में कोई राजा को काम नहीं करना चाहिए। अगर प्रजा के अहित में राजा काम करता है तो राजा रहने योग्य नहीं है, ऐसे राजा को सत्ता से हटा देना चाहिए। मनु ने इसके पहले, मनु ने लिखा है कि जो राजा प्रजा के हित में काम नहीं करता है उसे पत्थर से मार मार कर हटा देना चाहिए, मनु ने भी कहा। यद्यपि मनु को लोग बहुत आलोचना करते हैं, हो सकता है मनु उसका मनु के किसी विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन मनु का यह बात तो आप अवश्य ध्यान दीजिए कि मनु ने उस जमाने में लिखा कि जो राजा प्रजा के हित में काम न करे उसको गंदी से उतार देना चाहिए, उसी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। इसी बात को कौटिल्य ने रखा है। क्या यह बात आज के प्रजातांत्रिक युग में सार्थक नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजा के हित की बात कही जाती है। प्रजा के हित की बात सबसे पहले कौटिल्य ने रखा और कौटिल्य ने प्रजा का कल्याण में राजा का कल्याण नहीं देखा। शांति और व्यवस्था बनाए रखना हर राज के यह प्रमुख गुण होता है, हर प्रकार की शासन व्यवस्था का, कि शांति व्यवस्था बनाए रखना। कौटिल्य ने भी राजा को हिदायत किया कि अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका महत्वपूर्ण कार्य है। अगर राजा अपने शांति व्यवस्था बनाए नहीं रखता है तो राजा कहलाने के योग्य वह नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखे ताकि आम जनता भी अपने को सुरक्षित समझे, अपने को सुरक्षित जनता समझेगी तभी वह राजा का आज्ञाकारी प्रजा होगा। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौटिल्य ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में सैनिक बहाल करनी चाहिए राजा को, और राजा को खुद प्रतिदिन अपने राज्य की शांति व्यवस्था पर क्या ध्यान देना चाहिए। राज्य के किसी कोने में शांति व्यवस्था भंग होती है तो राजा को स्वयं वहाँ जाकर इसकी व्यवस्था को देखना चाहिए। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना राजा का प्रथम दूसरा कर्तव्य बताया। कहा कि शांति और शांति व्यवस्था बनाए रखने से ही विकास होता है, राज्य का विकास होता है, प्रजा का कल्याण होता है। तो राज्य के विकास और कल्याण के लिए शांति व्यवस्था को बनाए रखना उसने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बताया। नियुक्ति संबंधी कार्य, अब कहता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी कार्य होता है राजा को। आज भी कार्यपालिका प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है। नियुक्ति संबंधी कार्य को आप कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ला सकते हैं वर्तमान समय में। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? नियुक्ति करना। नियुक्ति किसकी करना है? राज्य के जो महत्वपूर्ण पद पर लोगों की नियुक्ति करना। तो यार हिदायत क्या है कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते समय राजा मंत्रिपरिषद से भी राय ले और मंत्रिपरिषद में उन बातों को रखे कि जिनकी नियुक्ति करना है वह व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। नियुक्ति करते समय राजा को अपने और पराये का भेद नहीं करना चाहिए, योग्य व्यक्ति को नियुक्ति करना चाहिए। अपने निकट संबंधियों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त मत करो,
कौटिल ने कहा अपने निकट संबंधियों को सहपाठियों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए, इसे प्रशासन में शिथिलता आ जाती है और प्रशासनिक कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं होता। जो कोई व्यक्ति हो वह किसी भी जाति हो धर्म को मानने वाले हो उसको कौटिल ने कहा कि उनका अच्छे पद पर नियुक्ति करना चाहिए। नियुक्ति का आधार योग्यता होनी चाहिए, किसी प्रकार का जाति या धर्म नहीं होना चाहिए, नियुक्ति का आधार योग्यता होनी चाहिए। बहुत पहले कौटिल ने कहा था। न्याय का राजा न्याय का मूर्ति होता, राजा न्यायाधीश होता, वह जनता के बीच न्याय करता, उसका न्याय ऐसे लगे कि दम माने लगे कि न्याय वास्तव में न्याय हो रहा है, जनता को विश्वास हो उसके न्याय। न्याय करते समय राजा इस बात को ध्यान रखे कि हम न्याय जो कर रहे हैं वह न्याय कानून के अनुसार होना चाहिए। धर्म के उस समय में धर्म ही कानून का मुख्य स्रोत था, धार्मिक कानून के अनुसार न्याय होना चाहिए, उसे अलग हटकर नहीं होना चाहिए। न्याय प्रिय राजा ही बहुत लोकप्रिय हुआ है, इसलिए राजा को न्याय का प्रिय होना चाहिए, वहाँ शीघ्र और सुलभ न्याय होना चाहिए। राजा न्याय करते समय शीघ्रता बरते और सुलभ न्याय हो, जिसमें जनता को राजा के न्याय के प्रति विश्वास हो, इसलिए कहा। विधि निर्माण कार्य, राजा को शासन चलाने के लिए बहुत से कानून बनाने की आवश्यकता होती है। कानून का निर्माण करते समय राजा मंत्रिपरिषद से राय लेगा, विचार करेगा और जनता के हित में वह कानून का निर्माण जो है करेगा। दंड की व्यवस्था, अब दंड जो है कहता है कि जो गलत करेंगे ऐसे व्यक्ति को दंड भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। दंड की व्यवस्था से प्रजा जो है अनुशासन में रहती है। दंड का निर्धारित करते समय देखना चाहिए राजा को कि जिस अनुपात में अपराध हुआ है उसी अनुपात में दंड देनी चाहिए। अगर गलती साधारण है और अपराध गंभीर, सजा ज़्यादा गंभीर हो गया तो यह नहीं होनी चाहिए। अपराध गंभीर है और दंड बहुत हल्का दिया गया, यह भी नहीं होनी चाहिए। राजा को दंड का निर्धारण करते समय अपराध किए गए अपराध पर विचार करना चाहिए। गलती से अगर राजा को किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित हो गया हो और बाद में पता उसकी निर्दोषता का पता बाद में चले तो ऐसी स्थिति में राजा को उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेना चाहिए और उसको रिहा कर देना चाहिए और इसके राजा को प्रायश्चित करना चाहिए कि हमारी गलती से एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित। आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था इसके सामने शर्मा रही है कि नहीं? आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है। कौटिल ने लिखा कि राजा की गलती से किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड मिल गया हो तो राजा को उस व्यक्ति से क्षमा मांगना चाहिए और उसको कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए और राजा को निश्चित रूप से इस कार्य के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए कौटिल ने कितनी बड़ी बात कहा है, जो आज के जनतांत्रिक समाज इसके सामने छोटा दिखाई पड़ता है। आय व्यय संबंधी कार्य, आय व्यय कार्य पर कौटिल शुरू से बहुत ध्यान दिया। राजा के दिनचर्या में भी इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। आय व्यय राज का खजाना खाली नहीं होना चाहिए, आय व्यय पर ध्यान देना चाहिए। जितना टैक्स लगाया गया है वह उतनी टैक्स धन राजकोष में धन जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी राजा को सतर्कता रखनी चाहिए। राजकोष आय व्यय से संबंधित जो कर्मचारी है उन पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। प्रजा पर कम से कम टैक्स लगाना चाहिए ताकि प्रजा आसानी से टैक्स का भुगतान कर दे। प्रजा पर कर लगाते समय प्रजा की क्रय शक्ति और व्यय शक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात कौटिल ने कहा कि प्रजा पर इतने छोटे कम कर लगाओ कि प्रजा सहज रूप से उसको दे दे। तुम खजाना का दुरुपयोग मत करो, इसे खजाना का दुरुपयोग हुआ था प्रजा पर टैक्स का भार बढ़ेगा। इन सारी बातों को कौटिल ने रखा। इसके अतिरिक्त अब इतने सारे डील करने के बाद अन्य कुछ कार्य को आप लिख दीजिएगा, जैसे सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य, युद्ध करना। एक युद्ध करना राजा का महत्वपूर्ण कार्य है। युद्ध राजा को कब करना चाहिए? उसने कहा कि राजा को अपनी सीमा का विस्तार भी करने चाहिए। बाप दादे के विरासत में जो सीमा मिली है उतने तक नहीं रहना चाहिए, अगल बगल के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए युद्ध नीति का सहारा लेने को कहा। युद्ध न्यायपूर्वक करना चाहिए, इसमें निर्दोष लोगों की हत्या कम हो, युद्ध में जो शामिल लोग हों युद्ध भूमि में जाए वहीं तक युद्ध को सीमित रखना चाहिए। आवासीय क्षेत्र पर नागरिक ठिकानों पर राजा को वहाँ के लोगों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। इसलिए युद्ध करने का भी उसने नियम जो बनाया है वह महाभारत के साथ जो युद्ध का नियम है भीष्म का बनाया गया नियम उससे मिलता जुलता है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने जो राजा के संदर्भ में जो बात रखी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वह प्रजातांत्रिक बात है। भले ही वो राजतंत्र का समर्थन किया है लेकिन प्लेटो के दर्शन पढ़ने से राजा संबंधी जो राजा संबंधी विचार है उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने पर जोर प्लेटो अरस्तु दे रहे हैं। आशा है कि आप इस विषय से अच्छा अवगत हो जाएंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ठीक से रखेंगे। यह काम ईमेल में नोट आएगा, BA 3rd ईयर में भी आएगा। जय हिंद।